अब हम आएंगे पाठ 14 पर। पाठ 14 में है लोकगीत। पाठ 14 में चैप्टर का नाम क्या है? लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता से मैं शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं। उनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। लोकगीत क्या है? हमारे गांव की है। उसमें गांव में गाए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं और सीधे जनता ने ही इनके जनता ही इनको बनाती है और जनता ही इन्हें गाती है। इसके लिए हमें विशेष सीखने की आवश्यकता नहीं होती है और विशेष अवसरों पर हमारे यहाँ जो गाने गाए जाते हैं उनके लिए हम लोकगीत कहते हैं। उनके अधिकतर रचने वाले क्या होते हैं? गांव के लोग होते हैं और ख़ास तौर पर स्त्रियाँ इसमें भागीदार हैं। और इन्हें बिना भी किसी भी किसकी म्यूजिक की आवश्यकता, संगीत की आवश्यकता नहीं होती है, बाजों की आवश्यकता नहीं होती। ये साधारण ढोलक पर, करताल, बांसुरी आदि की मदद से भी गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने हेय का अर्थ होता है छोटा समझना, इन्हें छोटा समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्यिक और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। पहले क्या था, एक समय इसको छोटा समझा जाता था लोकगीतों को, लेकिन अभी क्या है, अभी हाल तक इनकी बड़ी अपेक्षा, मतलब कोई भी इन्हें अच्छा नहीं समझता था, तिरस्कार करता था। पर साधारण जनता जो थी, लोगों की नज़र जब उसकी तरफ गई है तो क्या हुआ, साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और बहुत से विविध बोलियों में, लोक संगीत में, लोकगीतों का संग्रह बढ़ गया है। इस प्रकार से अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी का अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली। सजीव का अर्थ होता है जिनमें जान होती है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में खोड, खांड, उराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ तो बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। हमने क्या है, हमने कभी कभी टीवी में देखा है, हमने कभी देखा है कि कहीं का जो आदिवासी जो लोकगीत रहते हैं तो उसमें क्या होता है, सब एक दूसरे को पकड़ कर 10-10, 20-20 लोग गाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के दक्कन, छोटा नागपुर में खो, खांड, उराव, मुंडा आदि, भील, संथाल वाले जो आदिवासी हैं वो फैले हुए हैं और उनका जो जीवन है वो नियमों से बंधा हुआ है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। अब पहाड़ियों के क्या है, अपने अपने गीत हैं। उनके रूप विभिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग होते हैं। और शास्त्रीय संगीत तो है ही नहीं, उनकी अपनी क्या है, उनकी एक अपनी अलग ही भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में लोकगीत अपने गाने गाने की अलग अलग विधियाँ होती हैं और इनका नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गाँव और देहातों में है। वास्तव में लोकगीत जो हैं, जो गाए जाते हैं, वो देश के गाँव और देहातों में भी अधिकतर गाए जाते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। अब क्या है, इनका संबंध देहात की जनता से होती है और इनकी ये उनकी जान होते हैं। इसमें क्या है, मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बावल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया और आदि इसी प्रकार के हैं। हीर राजा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में हैं और ढोला मारू आदि गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। हमें बताया गया है कि अलग अलग प्रदेश में कौन कौन से
लोकगीत गाए जाते हैं। पंजाब में अलग गाए जाते हैं और राजस्थान में अलग हैं और पूर्वी और बिहार में अलग गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। अब इनके लिए क्या है, किसी साहित्य की जरूरत नहीं होती, जो अपना उनका जो रोज का जीवन जो चलता है उससे ही वे अपने गीत बना लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं और जिससे क्या है, वो उनको सीधा उनके हृदय को छूते हैं, छू लेते हैं। उनकी राग भी साधारणतर पीलू सारंग दुर्गा सावन सोरठ आदि हैं। कहरवा बिरहा धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और इससे बड़ी भीड़ आकर्षित होती है। क्या होते हैं उनके गीत, ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय को ऐसा छू लेते हैं और हमें अच्छे लगने लगते हैं। और साधारणतः इनके राग भी जो होते हैं, जो पीलू सारंग दुर्गा सावन सोरठ आदि हैं, और उनकी जो जब जी गाते हैं तो अपने आप ही भीड़ उनकी तरफ आ जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में, क्योंकि हर चीज़ की एक अलग भाषा होती है ना, तो इनके लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में ही होते हैं। इसी कारण ये बड़े आहातकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझे जा सकने वाली भाषा भी सफलता का कारण है। यदि हम अपनी भाषा में नहीं गाएंगे तो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, ऐसे ये क्या है, उनकी भाषा में अपनी बोलियों में ही गाई जाती हैं तो सबको आकर्षित अच्छी लगती है और उनकी सफलता भी इसी पर निर्भर करती है। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।